यहाँ के बच्चों को मेरा नाम कैसे पता? बालवी, बालवी। क्या हुआ? तुम कौन हो? मैं ही हूँ बालवी। सुनो, ये देखो, ये बालवीर, जिसको देखो खुद को बालवीर समझने लगता है। रुक, अभी तेरा बालवीर का भूत निकालता हूँ। रुक। तेरी तो अरे इस छोटे से बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? लगता है बालवीर नहीं दी होगी, वो यही कहीं चुप के इस गुंडे को सबक सिखा रहा होगा। मुझे बुराई बर्दाश्त नहीं होती। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मुझे भी पूरा यकीन है बालवीर ही ये सब कर रहा है। नहीं तो इस छोटे से बच्चे की ये मजाल कि चोर का ये हाल कर दे। मार दिया। अरे वो तो आपका ये हालत किसने कर दिया? अरे छोटे बच्चे ने बहुत मारा मेरे को, बहुत मारा उधर, बहुत एकदम मार मार के तोड़ दिया रे। बच्चा है किया ये जरूर बालवीर ने। हुआ मतलब इसका कि होगा आसपास ही बालवीर भी। अरे मुझको उधर चलो, उधर होगा वो। चंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। मंजिल जितनी करीब होती है तेरा झरकना उतना ही असंभव हो जाता है, और मैं जल्द से जल्द इस बालवीर का अंत कर देना चाहती हूँ। लेकिन पहले ये तो पता लगा लो कि बालवीर के साथ माजरा क्या है, और सबसे पहले मुझे मानव वहर का पता लगाना होगा, क्योंकि हो ना हो बालवीर उन्हीं के साथ होगा। बालवीर तो स्कूल की कैंटीन में भी नहीं मिला, अब उसे कहाँ ढूंढे? हाँ मैंने सारी क्लासरूम चेक कर ली, पर मुझे बालवीर कहीं नहीं मिला। अब क्या करें मैं? बालवीर की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी थी। जब हम छोटे थे तो हमारा कितने अच्छे से ख्याल रखता था बालवीर, हमारी सुरक्षा करता था, पर आज जब बालवीर एक छोटा शक्तिहीन बच्चा बन गया तो हम उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। प्रकृति भी कितना साथ दे रही है मेरा आज। पहले तो परी लोग के बादल चुराने की योजना पूरी हो गई, और अब ये खबर कि बालवीर छोटा शक्तिहीन बच्चा बन गया। बालवीर अब देखना कितनी आसानी से मैं तुम्हें मसल कर रख देती हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे इस छोटे बालवीर को खोजना होगा। ये मानव महर उस तक पहुंचे, उससे पहले मुझे उस तक पहुंचना होगा।
हमें क्षमा करना रानी परी, हम इस समय यंत्र को ठीक करने में असफल रहे। इस समय यंत्र का ठीक होना अब बिल्कुल असंभव है रानी परी। नटखट परी, हमें ऐसा लगता है कि परीलोक की सुरक्षा को लेकर आप कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं, इसलिए आप समय यंत्र को ठीक करने में अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पा रही हैं। और आपको याद है जब हम आपको परिभाग में मिले थे, तब भी आपका पूरा ध्यान प्रचंडिका और उसके जादुई दंड की सुरक्षा पर ही था। और इसलिए तो आप बिलंत तिजोरी के अंदर उसकी सुरक्षा के लिए मौजूद थी। क्या ऐसा कैसे हो सकता है परियों, हम तो प्रयोगशाला से बाहर ही नहीं निकले, हम तो समय यंत्र को ठीक करने में व्यस्त थे। हाय, बिल्कुल ठीक करे नखर परी, क्योंकि हर पल था मैं उनके साथ। हाँ, यहाँ तक क्यों हुआ मुझे भी आभास की मिला में दो दो नटखट परी से। परियों, हमें तुरंत बुलंद तिजोरी के पास जाकर प्रचंडिका के जादुई दंड को देखना होगा। चलिए परियों। चलो हम झूला झूलते हैं। हाँ। परीलोक में तो खेलने के लिए मेरे पास सिर्फ बुलबुली सिकड़ी थी, पर यहाँ पर खेलने के लिए तो कितनी सारी चीजें नए हैं। अरे चल झूला झूलते हैं। हाँ। हे पिद्दी, बहुत भाग लिया हम लोग से तू, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ? हाँ यहाँ है, मुझे पता कि हो तुम ही बालवीर। अब नहीं बचोगे तुम मेरे इस सर्वदा चट्टान की फुहार से, जो बना देगा तुम्हें एक ही पल में मनुष्य से चट्टान। तो माँ कहती है कि बुराई का पेट चाहे जितना भी घना और बड़ा क्यों ना हो, उसकी जड़ें कमजोर होती है, इसलिए अच्छाई के आंधी के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं सकता। हाँ, वो मैं भी देखता कि है क्या बिगाड़ता एक शक्तिहीन बच्चा इस महान
तोबा तोबा का। तोबा तोबा, भूलो मत, मेरा जन्म ही बुराई को विनाश करने के लिए हुआ है। रुको रुको, बहुत स्वादिष्ट है, पर अब मुझे इन सब में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मुझे जल्दी से जाकर बाल मित्र और बाल सखी को तोबा तोबा के बारे में बताना चाहिए। आया हूँ मैं यहाँ लड़ने और है खाना ये यहाँ पे बूटी के बाल। ए छोकरे, ये क्या रानी परी, जादुई दंड तो सुरक्षित है, फिर वो यहाँ क्या करने आई थी? असली नहीं बल्कि नकली जादुई दंड है। परिलोक पर सुरक्षा कवच ना होने का फायदा उठाकर प्रचंडिका अपना जादुई दंड चुराने में कामयाब हो गई। इसका मतलब बुलंद तिजोरी में हम नटखट परी से नहीं प्रचंडिका से मिले थे, और हमने तो उसे समय यंत्र के साथ साथ बालवीर के शक्तिहीन होने की बात भी बता दी। इसका मतलब बालवीर को ढूंढने के लिए प्रचंडिका इस समय पृथ्वी लोक पर ही होगी, और अगर अगर उसने बालवीर को पकड़कर उन पर आक्रमण कर दिया तो बालवीर कुछ नहीं कर पाएंगे। परियो, बच्चे अगर स्कूल में नहीं मिलते तो बाग में जरूर मिलते हैं, और हो ना हो छोटा बालवीर यहीं कहीं खेल रहा होगा। लेकिन इन सब बच्चों में मैं छोटे बालवीर को पहचानूंगी कैसे? मगर छोटे बालवीर के हाथ पर परी तारा के चिन्ह से उसकी पहचान हो सकती है। इसका मतलब मुझे इन सब बच्चों के हाथों में परी तारा के चिन्ह को ढूंढना होगा। अगर समय बचाने के लिए मुझे इन सब बच्चों के हाथों का एक साथ निरीक्षण करना होगा। अरे हमारे हाथ अपने आप ऊपर कैसे उठ गए? अरे ये हमारे हाथ नीचे भी नहीं हो रहे हैं। मत, एक दुष्ट आदमी मेरे पीछे पड़ा है। अरे ये तो भयंकर परी की तरह दिखने वाली कोई बुरी परी है। इस बच्चे ने मुझे देख कैसे लिया? मुझे कोई भी साधारण मनुष्य देख नहीं सकता। कहीं ये बालवीर तो नहीं? वापस क्या क्या सोचा था, बनूंगा मैं इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। एक तो बालवीर हाथ से निकल गया और अब ये आ गई। लेकिन तोबा तोबा,
अगर है जान प्यारी तो पड़ जा इसके चरणों में फिर। लेकिन बन चुके थे आप तो भगोड़ी। था मेरा मतलब ये कि पाकर रहा था ढूंढ में आपको, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको, हर लोग ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले आप मुझे। है दीदी मुझे आपका एक विशेष सूचना, जिसे सुनकर बना दूं कि आप मुझे अपना प्रधान है। अभी अभी जो गया बच्चा है वही छोटा बालवीर। पता है मुझे, तुमने उसे उसके नए रूप में देखा है ना? हाँ। तो फिर चलो, इससे पहले कि बाल मित्र बाल सखी उससे मिले मुझे उस तक पहुंचना होगा, तो चलो मेरे साथ। अरे आ गई ये बेवकूफ बुरी परी मेरे बिछाए हुए जाल को बिगाड़े। पकवान कोई और बनाए और खाए उसे कोई और। चल भी चलो बेवकूफ। मेरी जान खतरे में, अगले साल मुझे जादुई शक्तियाँ मिलने वाली है। आज अगर मेरे पास जादुई शक्तियाँ होती तो मैं इस बुरी परी को यही समाप्त कर देता। मानो मेरे का है, अब वो ही मुझे इस बुरी परी से बचा सकते हैं। वो रहे बाल सखी बाल मित्र। मेरा प्रचंड का नाम है मेरा। बालवीर का अंत करना कितना मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन अब तो बहुत आसान हो गया। खेल खत्म होने के बाद तय होता है, और अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ और तुम अपनी जीत का जश्न मनाने लग गए। नहीं बाल सखी, हर बार तुम लोगों ने मुझे मात दी है, लेकिन इस बार मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इस बार बालवीर को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.